हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसे बनाना बहुत आसान है और उसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ज़्यादातर विंटर्स में लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके फेस पर डार्कनेस आ जाती है। ये फेस पैक उस डार्कनेस को दूर करता है और जो डेड स्किन की लेयर स्किन पर जम जाती है ये उसे रिमूव करता है। इस फेस पैक की इंग्रेडिएंट लिस्ट में लेमन है जो विटामिन सी से रिच है, जो कोलेजन को बूस्ट करता है और डार्क स्पॉट को रिमूव करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है रोहिणी, जो आपकी स्किन के हीलिंग सेल्स को स्पीड अप करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को एक्ने पिंपल से बचाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट टर्मरिक है, जो आपकी स्किन के कलर को फेयर करती है, अनवांटेड हेयर की ग्रोथ को रोकती है और आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचाती है। फोर्थ इंग्रेडिएंट जवार फ्लावर है, जो स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डेड स्किन को ईजिली रिमूव करता है। इस फ्लावर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑलिव ऑयल है, जो स्किन को नरिश करता है, स्किन पर एक्ने पिंपल की ग्रोथ को रोकता है। चलिए अब देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले एक बोल में 3 स्पूनफुल ऑफ जवार फ्लावर ऐड करें, फिर उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करें, लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, 1 टी स्पून ऑफ रॉ हनी और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड करें। फिर इसे अच्छे से मिक्स करें। इस मिक्सचर का पेस्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करें। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो आप किसी ब्रश की हेल्प से या हाथों से आप अपने फेस पर इसको अप्लाई करें। इस फेस पैक में यूज़ होने वाली इंग्रेडिएंट बहुत ही नेचुरल हैं। बस आपको करना ये है कि वीक में 3 टाइम्स इस फेस पैक को यूज़ करना है और फिर इसका असर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।